नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? और नई वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई मेडिसिन के साथ। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुल्तानी सर्विन सीरप से रिलेटेड। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी MRP है, किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए सीरप यूज़ की जाती है और कितने मनी के अंदर रिजल्ट देती है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो आप एंड तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं, मुल्तानी सर्विन सीरप किस लिए बनाएगी, किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए इस सीरप को आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस, सीरप देखा जाए तो यूज़ किया जाता है मेनली आपके स्किन डिजीज़ के लिए। अगर आपके दोस्तों स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि स्किन में एलर्जी देखी जा रही है और जैसे कि फेस पर एक्ने पिंपल्स देखे जा रहे हैं, चेहरे मुहासे निकल आए हैं, फुंसे निकल आए हैं, दाने निकल आए हैं, फोड़े निकल आए हैं, या दोस्तों आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन देखा जा रहा है, तो दोस्तों ब्लड को प्योरीफाई करने का भी ये काम करती है। और दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए इस सीरप को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी क्या MRP है, तो ये आती है 97 रुपीज़ की, जो कि 100 ml में आती है। और आपके जो नज़दीकी आयुर्वेदिक फार्मेसी से वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और इस सीरप को कैसे यूज़ कर सकते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले बोतल को सेक कर लेना है। और दोस्तों जो कि एडल्ट है, तो एडल्ट इसके लिए 5 से 10 ml सीरप यूज़ करें, 5 से 10 ml इसमें वाटर यूज़ करें, क्योंकि सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं, एक दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये सीरप आप कब तक यूज़ कर सकते हैं, कितने महीने के अंदर रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा, तो उससे डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कब से देखी जा रही है, उस पर दोस्तों निर्भर करता है। अगर आपको प्रॉब्लम 3 मंथ से देखी जा रही है, 6 मंथ से देखी जा रही है, तो फिर थोड़ा कंटिन्यू यूज़ करें, मिनिमम इसको 3 से 6 मंथ यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर इसमें हम कॉम्पोजिशन की बात करें, इनके रिएजेंट्स की बात करें, तो काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन, जैसे कि इसके अंदर नीम छाल डाली गई, अनंत मूल डाला गया है, रमंद चीनी डाली गई, स्नाई डाली गई है, लोधरा डाले गए, कालमेघ डाली गई, तुलसी डाली गई, मंजिश डाली गई है, खैर छाल डाली गई है, जो कि काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों इस टाइप का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने सीरप की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। तो बस, तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। और दोस्तों तब तक हमसे जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें। और इस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।